गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो ये इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है उसको फटाफट से। जो भी कैंडिडेट्स चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के जो क्वेश्चन हैं भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जो भी कैंडिडेट्स न्यू हो, और लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई वीडियो को अपने इस न्यू सेशन के लिए। तो भाई आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खुशखबरी रहने वाली है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स BFUHS की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए स्टार्ट होने जा रहा है भाई न्यू क्रैश कोर्स, दैट इज द फतेह बैच। ठीक है, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इसको, इसका जो प्राइस रहेगा ओनली ऑन 1499 रहने वाला है, 1499 रहने वाला है। ठीक है भाई, ये जो फतेह बैच रहेगा इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है, और जिन बच्चों ने ऑलरेडी बैच ज्वाइन कर लिया है बाबा फरीदकोट का, उन बच्चों के लिए ये कोर्स जो है ऑलरेडी उसका जो कंटेंट है आपको उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा रिलीज़ की गई है भाई एक टेस्ट सीरीज, जो कि आपको अपना रेगनार नर्सिंग क्लासेस का जो ऐप है उस पर मिल जाएगी, स्पेशल फॉर BFUHS कैंडिडेट। दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे नई स्पेशल डाली है आप लोगों के लिए। पहला है फतेह टेस्ट सीरीज, दूसरा है फतेह क्रैश कोर्स। इसका नाम ही फतेह है तो मतलब आपकी जीत पक्की होगी। कुछ खास कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल आप लोगों के लिए हम स्पेशली BFUHS फोकस्ड मटेरियल यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। तो भाई जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से, मंडे तक आप लोगों के पास, कल संडे है, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो अपने बैच को। ओनली 1499 में फतेह बैच फॉर BFUHS स्टाफ नर्स। ठीक है, इसकी MCQ क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं अब भी आपके पास टाइम है भाई, बाद में आपकी ओवर एज हो जाए, वैकेंसी आए ना आए, तो आप लोगों के पास यहाँ पे बेस्ट टाइम है अभी प्रिपरेशन करने का। ठीक है भाई, तो जो भी कैंडिडेट्स जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं अभी नंबर पे, कॉल करके मैसेज करके इसी नंबर पे। ठीक है भाई, 7015849619, या डायरेक्टली ऐप इंस्टॉल करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्पेशल इस बैच को। तो चलिएगा भाई, इसी के साथ में हमारा पहला क्वेश्चन है, और जो बच्चे RRB की तैयारी कर रहे हैं, RRB की तैयारी वाले बच्चे, नॉन नर्सिंग क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हो रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं अपने बैच को स्पेशल फॉर RRB। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, नर्स इज इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। नर्स क्या कर रही थी भाई, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने की। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड एट द सेम टाइम। तो भाई पेशेंट को कुछ दवाइयाँ देनी हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सी दवाइयाँ आप सेम टाइम पे नहीं दे सकते, कौन सी दवाइयाँ आप सेम टाइम पे नहीं दे सकते हैं। तो इसने बोला लीवोफ्लोक्सासिन, माइलेंटा, नेक्स्ट है फिरोसामाइड और माइलिकोन, नेक्स्ट है भाई साइक्लोबेंजोप्राइन, नेक्स्ट है कार्बिडोपा, और उसके बाद में है भाई आपका सुक्राल फेट एंड ड्यूकोसेट कैल्शियम। बताइएगा कौन सी दवाई आप कॉम्बिनेशन में नहीं दे सकते, साथ में नहीं दे सकते। अब मैम इसके लिए थोड़ा सा हमें फार्मा का पता होना चाहिए। तो माइलेंटा क्या है भाई, माइलेंटा एक एंटेसिड है, लिक्विड एंटेसिड है, क्या है भाई, एक एंटेसिड है, ये लो मैंने बता दिया। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, लीवोफ्लोक्सासिन और माइलेंटा जो कि एक एंटेसिड है, आप
एक साथ में नहीं दे सकते, क्योंकि फिर क्या करेगा, एंटेसिड क्या कर देगा, लीवोफ्लोक्सासिन का जो एब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज कर देगा, इसीलिए आपको साथ में नहीं देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाई, आंसर करना है सारे के सारे कैंडिडेट्स को। एक पेशेंट है, एक क्लाइंट है हाइपरथायरॉयडिज्म का, वो एक्सपेक्ट विच ग्रुप ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन टू बी एग्जिबिटेड। तो आपको बताना है कि हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीज के अंदर कौन कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं पेशेंट के अंदर, ऐसा पेशेंट जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म वाला है। बताइएगा, कंफ्यूजन, वीकनेस, इंक्रीज्ड वेट। नेक्स्ट है भाई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रिथ, डिजनिया एंड डिक्रीज्ड लिबिडो, रेस्टलेसनेस, फटीगनेस, वेट लॉस, डायूरेसिस, हाइपोकैलेमिया एंड टैकीकार्डिया। आंसर कीजिएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीज के अंदर क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो देखो भाई, हाइपरथायरॉयडिज्म है मतलब T3 T4 का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट भी पेशेंट का बहुत ज़्यादा रहने वाला है। क्या रहने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो क्या देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन होगा, वीकनेस होगा, वेट इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, डिजनिया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, नेक्स्ट है डायूरेसिस या टैकीकार्डिया। मैम, रेस्टलेसनेस होगा, फटीग होगा और वेट लॉस होगा, डायरिया रहेगा पेशेंट को एवरी टाइम। नेक्स्ट है भाई, विच मेडिकेशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट एग्जिबिटिंग टिटैनी आफ्टर थायरॉयड सर्जरी। कौन सा मेडिकेशन है जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि प्रिस्क्राइब किया जाए क्लाइंट के लिए जिसको टिटैनी हो रही है आफ्टर थायरॉयड सर्जरी। थायरॉयड सर्जरी के बाद में कौन सा मेडिकेशन है जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि क्लाइंट प्रिस्क्राइब किया जाए। तो भी आपको पता है टिटैनी हो रही है मतलब हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है और थायरॉयड को निकाल दिया जाएगा, टिटैनी के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो पेशेंट को हम क्या एडमिनिस्टर करेंगे भाई, कैल्शियम एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है ना। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से पेशेंट को ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। अगला है, द नर्स वुड असेस अ क्लाइंट हु हैज़ अ पेप्टिक अल्सर फॉर साइंस ऑफ ब्लीडिंग। एक नर्स है, नर्स को असेस करना चाहिए क्लाइंट को पेप्टिक अल्सर के साइन एंड सिम्टम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, उसने बोला कि साइन ऑफ ब्लीडिंग असेस करने हैं, तो कौन सा सिम्टम है जो ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है। देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लेंथी रहेगी क्लास, ठीक है भाई। और मैं फिर से एक बार बता रही हूँ आप लोगों को, फतेह बैच आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी, इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, बिल्कुल 1499 में फतेह बैच टिल एग्ज़ाम आप लोगों को मिलने वाला है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं बिना देरी किए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑफर प्राइस में। तो पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को हो रही है ब्लीडिंग हो रही है, तो उस टाइम पे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। तो भाई, मेलिना ब्लड देखने को मिलेगा, और मेलिना कैसा ब्लड होगा, ओल्ड ब्लड होगा इन द स्टूल के अंदर पेशेंट के ब्लड देखने को मिलेगा, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेप्टिक अल्सर की वजह से देखने को मिल सकता है। हिमेचूरिया, ठीक है, ये यूटीआई की वजह से हो सकता है, सीवियर यूटीआई या कोई किडनी इंजरी की वजह से हो सकता है। वोमिटिंग अपर जीआई ट्रैक्ट की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। अकाइमोसिस किसी भी टाइप की ब्रूशिंग को इंडिकेट कर रहा है, किसी टाइप की इंजरी हो सकती है, सडन इंजरी, उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। आ रहा है समझ क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। एक नर्स है, प्रिपेयर कर रही थी इंसुलिन एडमिनिस्टर करने के लिए एक डायबिटिक पेशेंट को। 10 यूनिट्स उसने ली हैं रेगुलर इंसुलिन की, और 35 यूनिट्स हैं उसके पास में एनपीएच की।
35 यूनिट्स ऑर्डर की गई हैं। तो प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा, किस टाइप से आप मेडिकेशन को ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, कैसे ड्रॉइंग करोगे मेडिकेशन की, तो आपसे पूछा जाता है हवा किस में भरेंगे पहले, मेडिकेशन कौन सी भरेंगे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले सिरिंज में क्या डालेंगे, कौन सी मेडिकेशन डालोगे, रेगुलर इंसुलिन डालोगे या एनपीएच डालोगे, हवा किस में भरोगे सबसे पहले, तो बताइएगा भाई। देखो सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको बताया था रेगुलर को सिरिंज में पहले भरते हैं, रेगुलर जो इंसुलिन होती है उसको सिरिंज में पहले भरते हैं, और हवा किस में भरते हैं, एनपीएच में, तो इंजेक्ट एयर इनटू द एनपीएच वायल, और यहाँ पे भी देखो भाई ड्राप एनपीएच पहले, ड्राप दो अलग अलग सिरिंज नहीं लेंगे, एनपीएच वायल, एनपीएच वायल एयर डालेंगे सबसे पहले, ठीक है, ड्राप टू 35 यूनिट देन इंजेक्ट एयर, नहीं भाई पहले एयर डालेंगे एनपीएच में, ठीक है ना, एनपीएच वाली वायल के अंदर क्या डालेंगे हम, एयर डालेंगे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में रेगुलर के अंदर एयर डालेंगे, ठीक है भाई, थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे भाई, थर्ड स्टेप के अंदर हम विड्रॉ करेंगे रेगुलर को, कहाँ पे, सिरिंज के अंदर, ठीक है, और फोर्थ पे करेंगे एनपीएच को। तो यहाँ पे देख लो भाई क्या दिया गया है कि इंजेक्ट करना है 35 यूनिट्स ऑफ एयर इनटू द एनपीएच, 10 यूनिट्स ऑफ एयर डालेंगे रेगुलर में, जितनी आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उतनी ही एयर डालनी है आपको, ठीक है ना, उतनी ही एयर डालनी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द नर्स रिकॉग्नाइज द एज अ प्राइमरी रीजन दैट फूड एंड फ्लूइड आर विदहेल्ड फ्रॉम क्लाइंट्स विद पैनक्रियाटाइटिस, नर्स रिकॉग्नाइज क्या रिकॉग्नाइज करेगी कि क्या प्राइमरी रीजन है कि फूड और फ्लूइड जो है ना वो पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट के अंदर विदहोल्ड कर देते हैं, तो डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द पैनक्रियाज, डिक्रीज स्टिमुलेशन टू द पैनक्रियाज, नेक्स्ट है इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक एंजाइम, नेक्स्ट है भाई इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाज। तो प्राइमरी रीजन क्या होता है कि फूड एंड फ्लूइड जो है पैनक्रियाटाइटिस के मरीज में होल्ड कर देते हैं, तो भाई क्योंकि अगर आपने फ्लूइड एंड खाना दिया पेशेंट को, ठीक है ना, तो क्या होगी, पेशेंट की पैनक्रियाटिक एंजाइम की सिक्रेशन इंक्रीज होगी और उतना ही ज्यादा इन्फ्लामेशन होगा, सो दैट्स व्हाई We withhold the food to decrease the stimulation of pancreas. कहीं pancreas क्या ना हो जाए भाई, ज़्यादा stimulate ना हो जाए, उसकी stimulation को decrease करने के लिए हम क्या करेंगे, खाना रोक देते हैं। Next है भाई the nurse is administering digoxin to a client with congestive heart failure. एक nurse administer कर रही थी क्या भाई digoxin congestive heart failure के मरीज के अंदर, एक्सपेक्टेड थेरेपिटिक इफेक्ट क्या होगा इस दवाई का, इस दवाई का एक्सपेक्टेड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज्ड, आज सुबह की क्लास में ही करवाया है, डिजोक्सिन क्या है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक दवाई है, क्या करेगी, हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, फोर्स ऑफ कंडक्शन को इंक्रीज करती है, आज सुबह ही आपको कार्डियो में पढ़ाया है, तो बताइएगा भाई ये क्या करेगी, मैम हार्ट रेट को डिक्रीज करती है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव आइनोट्रोफिक ड्रग एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोफिक ड्रग, ठीक है ना, मैंने आपको मीनिंग भी बताया था क्रोनोट्रोफिक क्या होती है, आइनोट्रोफिक क्या होती है, कैसे कंडक्शन पे, वेलोसिटी पे और हार्ट रेट पे काम करती है। चलिएगा भाई देख लो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, जो थ्योरी में पढ़ोगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है, बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, जो भी आपको बैचेस में करवाया जा रहा है भाई उतना इनफ मोर है, उतना भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो नो वन कैन स्टॉप यू, आपको कोई नहीं रोक सकता अपना गोल अचीव करने से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइंट हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम द ब्रोनकोस्कोपी, क्लाइंट किससे आया है अभी, ब्रोनकोस्कोपी से आया है,
विच सेफ्टी मेजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स टू इम्प्लीमेंट, तो आप कौन सा सेफ्टी मेजर है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। क्लाइंट अभी आया ब्रोंकोस्कोपी करवा के, तो मेंटेन करेंगे क्लाइंट को सुपाइन पोजिशन के अंदर, प्रोवाइड करोगे क्लाइंट को सेलाइन गार्गल्स एवरी 15 मिनट 2 घंटे से। नेक्स्ट है भाई मॉनिटर करोगे क्लाइंट का फॉर रिटर्न ऑफ द गैग रिफ्लेक्स बिफोर इनटेक। नेक्स्ट है भाई स्प्लिटिंग द एब्डोमन एंड स्प्लिंटिंग द स्प्लिंट करोगे एब्डोमन पे जब वो पेशेंट कफ कर रहा है या कोई एब्डोमिनल बाइंडर बांधोगे। तो भाई ब्रोंकोस्कोपी जब भी करवा के आया है पेशेंट का तो गैग रिफ्लेक्स क्या देखने को मिलेगा, थोड़े टाइम के लिए लॉस हो जाता है ठीक है ना, क्योंकि हम क्या कर देते हैं भाई एनेस्थाइज कर देते हैं ठीक है, तो गैग रिफ्लेक्स सुप्रेस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तो जब तक पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स वापस ना आ जाए तब तक आप उसको कुछ नहीं दोगे, निल बाय माउथ रखोगे। कुछ भी इनटेक करने से पहले आप क्या करोगे गैग रिफ्लेक्स को चेक करोगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं ना भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, देखते जाना कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं आपके। एक 45 ईयर ओल्ड क्लाइंट है, रिटर्न आया है कोलोनर रिसेक्शन करवा के 2 आवर्स एगो 2 घंटे पहले। कौन सा वाइटल साइन है जो इंडिकेट कर रहा है पॉसिबल हेमरेजिक शोक। एक 45 ईयर ओल्ड क्लाइंट है, कोलन रीसेक्शन करवा के आया है 2 घंटे पहले। कौन सा वाइटल साइन है जो इंडिकेट करेगा कि हेमरेजिक शोक है। हेमरेजिक शोक को कौन इंडिकेट करेगा, तो मैम हेमरेजिक शोक है तो टैकीकार्डिया होगा, यहाँ पे तो ब्रैडीकार्डिया हो रहा है। अब टैकीकार्डिया इन दोनों में है 120 120, लेकिन यहाँ पे बीपी देखिएगा और यहाँ पे बीपी देखो भाई, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो हाइपोटेंशन प्लस टैकीकार्डिया विल बी इंक्लूडेड इन द हेमरेजिक शोक और हाइपोवोलेमिक शोक ठीक है ना। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है भाई BFUHS के पेपर के अंदर, आंसर करना 2019 में। एक क्लाइंट है न्यूली डायग्नोज हुआ है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम से अफेक्टेड है वो। आस्क द नर्स इफ इट इज नेसेसरी टू टेल द को वर्कर अबाउट द डायग्नोज। एक न्यूली डायग्नोज्ड एड्स का पेशेंट है, वो नर्स से पूछता कि क्या ये जरूरी है कि वो अपने डायग्नोज के बारे में अपने को वर्कर्स को बताए। तो नर्स रिस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन विच करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, तो नर्स क्या रिस्पॉन्स करेगी इसके बिहाफ पे। ट्रांसमिशन ऑफ एड्स डज नॉट अकर थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट, कि एड्स कैजुअल कॉन्टैक्ट से नहीं होता। एम्प्लॉय हैव द राइट टू चूज विद होम दे विल वर्क, एम्प्लॉयज़ का ये राइट है कि वो किसके साथ काम करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है। क्लाइंट विद एड्स डायग्नोज शुड नॉट वर्क इन पब्लिक प्लेस, कि एड्स वाला पेशेंट पब्लिक एरिया में काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है भाई द लॉज रिक्वायर दैट एम्प्लॉयज बी इन्फॉर्म्ड ऑफ एन एड्स डायग्नोसिस, कि इसके लिए आपको लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई कैजुअल कॉन्टैक्ट से एड्स नहीं होता है, सो ये बात आप उसको बताओगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैजुअली अगर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में कॉन्टैक्ट में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि छूने से थोड़ी होगा ये ठीक है, या आप किसी के साथ काम कर रहे हो, सेक्सुअल रूट से हो सकता है, आईवी रूट से हो सकता है, ब्लड ट्रांसमिशन से हो सकता है। नेक्स्ट है भाई एक क्लाइंट है रिटर्न आया है अभी आफ्टर थायरोडेक्टमी के बाद में, कौन सा इक्विपमेंट है जो आपको बेड साइड पे रखना है। आज सुबह ही मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र किया था, तो कहाँ पे भाई ट्रैकियोस्टोमी सेट हीमोस्टेट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज एंड वायर कटर्स, तो आपको क्या रखना है, थायरोडेक्टमी का मरीज है तो ट्रैकियोस्टोमी सेट बेड साइड पे रखना ही रखना है। चलिएगा ये क्वेश्चन आपको आंसर देना है, हिपेरिन दे रहे हैं सबक्यूटेनियसली, कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है जो नर्स मॉनिटर करेगी व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग दिस मेडिकेशन। जब आप ये मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हो हिपेरिन सबक्यूटेनियसली, तो कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है जो नर्स मॉनिटर करेगी जब आप ये दवाई दे रहे थे। तो भाई
पीटी चेक किया जाता है जब आप वारफेरिन देते हो, वारफेरिन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, और एपीटीटी चेक करते हैं जब क्या कर रहे हो आप, हीपेरिन दे रहे हो सबक्यूटेनियसली, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टीचिंग शुड द नर्स रीइंफोर्स अ यंग मेल अडल्ट रिगार्डिंग व्हेन ही शुड परफॉर्म टेस्टिक्यूलर सेल्फ एग्जामिनेशन। कौन सा टीचिंग है जो नर्स रीइंफोर्स करेगी यंग मेल अडल्ट को रिगार्डिंग व्हेन ही शुड परफॉर्म टेस्टिक्यूलर सेल्फ एग्जामिनेशन, कि वो खुद टेस्टिक्यूलर सेल्फ एग्जामिनेशन कब कर सकता है। वीकली आफ्टर बिकमिंग सेक्सुअल एक्टिव, नेक्स्ट है भाई मंथली करना है वाइल इन द शावर, नेक्स्ट है बाय मंथली, दो बार करना है, ठीक है ना, मतलब दो महीने से करना है, या एनुअली करना है अपने बर्थडे पे। अरे वाह भाई, तो भाई हर मंथ करना है और शावर लेने के टाइम करना है, जब आप शावर ले रहे हो, ठीक है, या शावर लिया है अभी गीला है शरीर, उस टाइम पे आपको क्या करना है, हर महीने सेम टाइम पे एग्जामिनेशन करना है, कौन सा, टेस्टिक्यूलर, ठीक है भाई। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं, एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जितना मैक्सिमम आप लोग अप्रोच करवाओगे उतना ही लेंथी वीडियोज रहेंगे भाई, ठीक है। तो फतेह बैच के बारे में आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, पोस्टर शेयर जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।